प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में संजीवनी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के अधीन चल रहे पल्स हॉस्पिटल और पल्स डायग्नोस्टिक को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है। जब्त संपत्तियों में अस्पताल में लगे उपकरण और मशीनों के अलावा अमिता झा, अभिषेक झा की माँ के नाम पर खरीदी गई जमीन शामिल है। जब्त संपत्ति की कीमत लगभग 83 करोड़ रुपए की गई है। इन संपत्तियों पर फिलहाल उसके वर्तमान मालिकों का ही कब्जा रहेगा, यानी अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर पहले की तरह चलते रहेंगे, लेकिन इनकी खरीद बिक्री नहीं हो सकेगी। ईडी ने जांच में पाया कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल द्वारा अपनी नाजायज आमदनी को जायज करार देने के लिए बैंकिंग चैनलों का इस्तेमाल करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अपने पति अभिषेक झा के बैंक खातों में पलामू में उपायुक्त रहते हुए नकद राशि जमा कराई। अभिषेक झा ने पूजा सिंघल की नाजायज आमदनी को सही करार देने के लिए इसे ऑस्ट्रेलिया में खुद के द्वारा कमाई गई राशि बताई। ईडी ने कांके थाना क्षेत्र में खरीदी गई जमीन को भी जब्त कर लिया है। यह जमीन राधेश्याम फायर वर्क्स LLP के नाम पर खरीदी गई थी। जमीन की खरीद के कागज पर सिर्फ लगभग 95 लाख रुपए के भुगतान का उल्लेख किया गया है। जांच में पता चला कि इस खरीद के लिए 2 करोड़ रुपए नकद भुगतान किया गया था। राधेश्याम फायर वर्क्स में पवन सिंह और कमलेश सिंघल पार्टनर हैं। कमलेश सिंघल IAS अधिकारी पूजा सिंघल की माँ है और पवन सिंह मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार CA सुमन कुमार सिंह का भाई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।